के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस बार विधानमंडल का शीतकालीन अधिवेशन नागपुर में होगा। उन्होंने दो टोक लहजे में कहा, चाहे जो कुछ भी हो जाए पर शीत सत्र तो नागपुर में ही होगा। महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अघाड़ी के कारण राज्य को काफी नुकसान हुआ है। राज्य में विकास योजनाएं रुक गईं, सभी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार विकास कार्य किया जाएगा। मंगलवार को प्रेस क्लब में प्रेस से मिले कार्यक्रम में फडणवीस ने कहा कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास ही सरकार का एजेंडा रहेगा। मंत्रिमंडल का गठन जल्द कर दिया जाएगा। फिलहाल मंत्री पद को लेकर कोई फॉर्मूला तय नहीं किया गया है। राज्य में सत्ता की उलटफेर की राजनीति पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने अनपेक्षित झटका दिया है। राजनीति में इस तरह के झटके बताकर नहीं दिए जाते हैं। इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से सफलता मिली है। पार्टी के वरिष्ठ नेता साथ नहीं रहते तो यह सब नहीं हो पाता। 2019 में सबसे अधिक विधायक होने के बाद भी भाजपा को राज्य में विपक्ष में रहना पड़ा। उस समय मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनने का कोई दुख नहीं हुआ। दुख तो इस बात का रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आर्थिक मामले में मजबूत करने का जो लक्ष्य रखा है उसमें महाराष्ट्र की ओर से हम योगदान नहीं दे पाए। पिछली सरकार ने राज्य में कई विकास योजनाओं को रोक दिया। शिवसेना को समाप्त करने का षड्यंत्र रचने का आरोप भाजपा पर लगाने से पहले उद्धव ठाकरे ने यह सोचना चाहिए कि शिवसेना को वास्तव में कौन समाप्त कर रहा है। वे इतना भी नहीं जानते हैं तो उनकी पार्टी के बारे में भगवान ही जाने। ओबीसी आरक्षण के विषय पर उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट न्यायालय में रखी जाएगी, उस रिपोर्ट के संबंध में प्रस्तुतिकरण देखा है, कुछ त्रुटियां होंगी तो दूर की जाएंगी। पूर्व मंत्री छगन भुजबल और विजय वडेट्टीवार के सुझाव भी लिए जाएंगे। पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, विधायक कृष्णा खोपड़े, मोहन मते, विधान परिषद सदस्य परिणय फूके, पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर विकास महात्मे सहित अन्य उपस्थित थे। मैं प्रेस क्लब का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि प्रेस क्लब ने सबसे पहले मुझे नागपुर में, मेरे अपने शहर में मीट द प्रेस के लिए बुलाया और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने पिछले समय भी बहुत प्यार दिया और आगे भी आपका ऐसा ही सहकार्य मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैंने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है और कल हमारी सरकार ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री ये विश्वास मत प्राप्त करते हुए की है। 164 वोट हमारी सरकार की ओर पड़े हैं और मात्र 99 वोट विरोधी पार्टी को, तीन पार्टियों को मिलाकर, वैसे दो ही पार्टी समझ लीजिए, को मिलाकर वहां पर मिले हैं और अब पूरे बहुमत के साथ हमारी सरकार चलेगी। और ऐसे समय मेरा दुख यह था, सरकार गई इसका दुख नहीं था, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं इसका दुख नहीं था, दुख इस बात का था कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस रफ्तार से जा रहा था और उस रफ्तार में एक इंजन का काम महाराष्ट्र कर रहा था, कहीं ना कहीं वो इंजन बंद हो गया, वो रुक गया, वो धीमा हो गया, इसका दुख मुझे रोज होता था। हिंदुत्व पर हमारी पार्टी खड़ी हुई, बाला साहब ठाकरे जी ने जिस हिंदुत्व के आधार पर हमको खड़ा किया, कहीं ना कहीं उसका विरोध करने वाली ताकतों के साथ हम खड़े हैं और उन ताकतों ने हमको मुख्यमंत्री पद तो दे दिया लेकिन हमारा सारा ले लिया और हमारे बलबूते पर, हमारे कांधों पर चढ़कर ये लोग मजबूत हो रहे और हमारी पार्टी वीक हो रही है, ये बात बार बार वो कहते थे। और इसी के चलते हमने तय किया कि हम उनकी मदद करेंगे और शिंदे जी के रूप में एक नेता बाला साहब जी का हिंदुत्व बचाने के लिए मैदान में उतरा, 40 लोग उनके साथ शिवसेना से और 10 इंडिपेंडेंस, 50 लोगों का ग्रुप तैयार हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरा समर्थन दिया। मैं विशेष रूप से हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का
मोदी जी का आभार मानता हूँ और साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह जी का और हमारे अध्यक्ष नड्डा जी का आभार मानता हूँ कि एक बहुत सही निर्णय हमारे नेताओं ने लिया। लोगों को ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता पाने के लिए, मुख्यमंत्री पद पाने के लिए लालयित है और उसके लिए ये सारी चीज़ें चल रही है। हमारे नेताओं ने मेरे साथ चर्चा करके, और मैं स्पष्ट रूप से बताऊं, ये प्रस्ताव मेरा खुद का था, किंतु उन्होंने तो मेरा सम्मान करने की सोची और कहा कि पार्टी को आप ही लीड कर सकते हो और इसलिए आप डिप्टी सीएम की शपथ लो। मैंने शपथ ली और मुझे इस बात का कोई रंज नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी पार्टी को आवश्यकता थी तो मैंने ये शपथ ली। एकनाथ शिंदे जी जो मेरे सहयोगी रहे हैं, आज हमारे नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और मैं पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा हूँ। वो यशस्वी होंगे और उनके यश में मेरी भी एक बड़ी भागीदारी होगी। ये सारा जो हम लोगों ने यहाँ पर काम किया, इसमें विशेष उल्लेख मैं करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी का तो आशीर्वाद था, नड्डा जी तो हमारे अध्यक्ष है ही, पूरी ताकत के साथ, क्षमता के साथ और जिस निर्णय क्षमता के लिए वो जाने जाते हैं उस निर्णय क्षमता के साथ हमारे गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी पूरे इस सफर के दरमियान चट्टान की तरह हमारे साथ रहे और इसीलिए हम लोग ये कार्य कर पाए और इसलिए उनका विशेष आभार। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ और सुभाष भूटले के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।